with the greatest name of Allah, who is most merciful and beneficent. This is Sheikh Mansoor Hasan, and today we are going to discuss about mechanism of enzyme action. Actually, question में topic आया हुआ है mechanism of enzyme action, यानी enzyme का जो अमल जो हुआ है कि करते हैं उत्तर की नहीं आता। तो सबका पहले enzyme सुना है, enzyme क्या है? Enzymes are three-dimensional globular proteins. Enzyme जी क्यों ना है? Three-dimensional globular proteins जाते हैं ना है। अयोनी मंदर जी का protein लिया है। Protein contains specific sequence or specific amount of amino acids. उनका प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड के कुछ खास तादाद में कुछ खास तरतीब भी ठहर होती है उन्हें खास तादाद के करे एंजाइम के एक खास स्ट्रक्चर होता है उन्हें खास स्ट्रक्चर दे की वजह से इनके ओनली स्पेसिफिक सब्सट्रेट जो है बाइंड कर सके तो या अटैक कर सके तो जैसे एंजाइम सब्सट्रेट एंजाइम पे अटैक किलो तो वो चाहे वो एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जरा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स है क्या थी नो जिसको सब्सट्रेट उसे अटैक क्यों हुई हो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट थी नो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म अटैक कर रहा था उन्हें कहाँ बात जो जिसका प्रोडक्ट है ही सब्सट्रेट माँ वो रिलीज थी नहीं ऐसे को एंजाइम सुधो वो सेम पे वो नो सारी जगह पे ऐसे जो को आप ईयर कैटालाइज कर सके तो जो एक्शन सा एंजाइम जो यानी यही जो को आए रीयूज यानी अगेन यूज की सके तो सब्सट्रेट जो को आए वो एक्टिव साइट से अटैक जो एक्टिव साइट चार एक्टिव साइट इज अ चार्ज बेयरिंग साइट यानी एक्टिव साइट पे कुछ चार्जेस मौजूद होते हैं एंड ड्यूरिंग अपोजिट चार्ज सब्सट्रेट अटैक इट यानी मुख्तलिफ यानी अपोजिट चार्ज के करे सब्सट्रेट जो को है एक्टिव साइट पे अटैक थिंदो है एंड ये एक्टिव साइट का मेरिडियंस थिंदा है देखो बाइंडिंग साइट एंड जो है कैटालिटिक साइट बाइंडिंग साइट चाहे जैसे तय को एंजाइम रिकॉग्नाइज थी करे पर ये एक्टिव साइट के अटैक न तो थे इतने तय या साइट जिका उन्हें बाइंडिंग साइट सुने हमने कहा बाद में जिका किया है कैटालिटिक साइट जिधर सब्सट्रेट एक्टिव साइट के अटैक थी बने आई सब्सट्रेट जो को वार प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर चुकी होगी तो ये उन्हें कैटालिटिक साइट अज्जू जो को योर सन टॉपिक की देखा तो अगर मैं वहां पे क्वेश्चन देता हूं सर।